आपने कितना धन बनाया, कितने दौलत बनाई, कितने बंगले बनाए, कितनी गाड़ियां खरीद ले, क्या क्या कर लिया, ये बड़ी बात नहीं है भैया। मगर अच्छा विचार करिए, देखिए भी, वास्तविक धन वही है। इसीलिए तो बड़े से बड़े धनाढ्य भी जो होते हैं उस वास्तविक धन को पाए हुए व्यक्ति के चरणों में जाकर के गिरते हैं, चाहे टाटा हो, बिरला हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। मगर जब कहीं वो लंगोटी छाप महात्मा पहुंच जाएगा तो दंडवत हो जाएंगे। क्यों भैया, उनके पास में क्या कौन सा धन है, क्या है उनके पास में? मगर उनके पास में आत्म धन है। वो अपने निज स्वरूप को पहचान चुके हैं, वो अपने आनंद स्वरूप को पहचान चुके हैं। और शायद कहीं ना कहीं दबे मन में यह आस होती है कि शायद वही आनंद की ज्योति हमारे अंदर भी इनसे जागृत हो जाए, इनसे मिल जाए। संत के चरणों में जाने का मतलब क्या है? संत क्या दे देगा आपको? क्योंकि आप जिसको धन समझते हैं वो संत के पास में है नहीं। आप तो कोटी बंगला रुपया पैसा को धन समझते हैं। तो कभी आपने सोचा कि जब हम जिसको धन समझते हैं, जब वो है उसके पास में नहीं, इसके बावजूद भी हम उसके चरणों में क्यों करते हैं? आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। ये आपको पता है कि ये आत्म धन से संपन्न है, ये आत्म स्वरूप को समझ चुके हैं, ये भगवान तक पहुंच चुके हैं। इसलिए सबसे बड़ी दौलत भगवान तक पहुंचना है। और जो भगवान तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है वह अगर आशीर्वाद दे देगा तभी हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, सुख आएगा, आनंद आएगा। तो हमारे जीवन का जो है, बाबा जी बैठने के लिए जगह दीजिएगा, तो वहां से नहीं बाबा जी, उस तरफ से आ जाइए, ऐसे वहां से जो है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमें इस बात का जो है वो होना चाहिए, तो हमें इस बात का, हमारे जीवन में क्या मिला, क्या जो है खोया, क्या पाया, इसका बोध हमें करना चाहिए। और दुख होना चाहिए कि हमें मनुष्य तन पा करके, मनुष्य तन जिसके लिए मिला है वह हम प्राप्त नहीं कर पाए। हमारे मनु और शत्रुपा जी ने, जबकि इतना बड़े भक्त थे, साधक थे, सब कुछ था, मगर एक बार विचार करते हैं कि हो इन विषय विराग भुवन बसत भा चौतपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। जब ये ऐसा भाव आया कि अरे राम राम, विषयों से वैराग्य हमको नहीं हो रहा,